न्यूकर्स कॉमर्स को तो मैं ये बताता हूँ कि बिना सीखे, बिना बेसिक शिक्षा लिए एक्टिंग में नहीं आनी चाहिए, और बहुत टफ स्ट्रगल है। आपकी बैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, या तो कुछ आपकी इनकम होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो काम नहीं करते। मेरे खुद के कई दोस्त ऐसे हैं जो मर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। बहुत टफ लाइन है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एलके बॉलीवुड ब्लॉग। तो गाइस, आज आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही मजा आने वाला है। आपको आपको फिल्म लाइन के बारे में बताने वाला हूँ कि कितनी हार्ड है, कितना टफ है फिल्म लाइन, कि इसमें हर कोई आना चाहता है बट आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज हमारे बीच मौजूद है विकास सर, तो हम उनसे बात करने वाले कि उन्होंने अपने लाइफ में कितने स्ट्रगल्स की और कैसे आगे बढ़े। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो विकास सर हमारे साथ मौजूद है। तो सर, आप पहले तो मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिला, आपने मुझे परमिशन दी। और सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका लॉकडाउन पहले तो कैसा रहा, आपसे ये बताइए। लॉकडाउन अच्छा ही रहा। मैं तो एक्टिंग की प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ता। मैं अपनी वॉइस एक्सरसाइज और एक्टिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो हमें करते ही रहना चाहिए। और लॉकडाउन में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, पावर अपने आप को बढ़ाया और कंट्रोल रखा। इतनी उम्र में भी मैं बीमार जल्दी पड़ता नहीं हूँ, भगवान की कृपा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि आपने अपने लाइफ में कैसे कैसे स्ट्रगल्स किए, कितने हार्ड और कितने टाइम, कुछ कुछ समय ऐसा भी आया रहेगा सर कि आपको घर पे बैठना पड़ा होगा कि कुछ काम नहीं है, ऐसा भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे हुए क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो 79 में बॉम्बे आया था और 80-81 में एक्टिंग कोर्स किया था फिल्माले एक्टिंग स्कूल से। तो उसके बाद मैंने थिएटर ग्रुप बनाया हम लोगों ने, खुद ही यात्री नाम से, और उसमें हमने नाटकों में बहुत काम किया। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनकी सेवा की है, उनको उनके बैक स्टेज किए हैं, झाड़ू लगाया है स्टेज पे, सबको चाय पिलाए हैं, पानी पिलाए हैं, जैसे सत्यदेव दुबे हैं, ओम पुरी है, हरि आत्मा है, जो भी। और मैं बहुत छोटा था, मुझे लोग बच्चा समझते थे और सब मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं बहुत खुश रहता था। यानी कि आपने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किए सर। तो आपने कौन कौन से सीरियल्स में अभी तक आपने वर्क किया और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और एक स्ट्रगल तो मैं आपको बताऊं कि मुझे इनिशियल स्टेज में ही मुझे दिलीप साहब से मिलने का मौका मिला और मैं करीब उनके साथ एक साल रहा और उनके शूटिंग पे जाता था, उनके घर पे भी जाता था और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ देखा है उनके साथ। और प्रभु की कृपा, देखिए अभी बहुत बीमार है वो। और मैंने थिएटर में बहुत काम किया और क्या बताऊँ, फिर बिजनेस भी किया, मैंने कैमरा भी ढोया है, मैंने साउंड का काम किया है, बहुत काम किया है। ए टू जेड जितने भी फिल्म लाइंस के काम है सब आप कर चुके हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, बड़ी बड़ी फिल्मों में मैं असिस्टेंट रहा हूँ। काका जी के साथ काम किया, सनी जी के साथ किया, राजकुमार संतोषी के साथ काम किया, यश चोपड़ा के साथ काम किया, मेरे प्लेस वाजपेयी वगैरह, शबाना आजमी, शेखर कपूर, सबके साथ काम किया। उन लोग जानते भी हैं मुझे और मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, मलाल नहीं है कि मैं स्टार नहीं बना। स्टार तो देखिए क्या होता, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। मेरे लिए तो स्टार ही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और पैसे के पीछे मैं कभी भागा नहीं, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ और मैं करता रहा हूँ, और आपका आशीर्वाद होगा तो आगे भी मैं करता हूँ। और सर, आपने इन सब लोगों के साथ में काम किया, सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किसके साथ मिला, जिसके साथ काम करना बहुत मजा आया रहेगा, करेक्टर पे काम करने को मिलता है। जैसे अभी मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ या क्राइम अलर्ट कर रहा हूँ, तो इनके साथ भी मुझे वही है कि स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, तो मैं वर्कआउट करता हूँ अपने करेक्टर पे और मैं उसको पोर्ट्रेट करता हूँ। सॉरी सर, सॉरी,
और यानी कि आपने अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल्स किए। सर आप आपके फैंस को या दर्शकों को कुछ बताना चाहोगे या एक्टिंग लाइन कितनी टफ है या बहुत इजी है? बहुत इजी है क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आप इतने सालों से वर्क कर रहे हैं? देखिए इजीली तो कुछ भी नहीं मिलता है इस दुनिया में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि बिना कुछ सीखे लोग आ जाते हैं एक्टिंग करने के लिए। ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो तो उसकी ट्रेनिंग तो लेते हो ना, पढ़ते हो ना, तो एक्टिंग भी एक पढ़ाई है, उसको सीखना पड़ता है। उसको कैरेक्टर कैसे प्ले करना चाहिए, कैसे एक्टिंग करनी चाहिए, कैसे डायलॉग बोलना चाहिए, कैसे फील करना चाहिए कैरेक्टर को, ये बहुत जरूरी है। और न्यूकर्स कॉमर्स को तो मैं ये बताता हूँ कि बिना सीखे, बिना बेसिक शिक्षा लिए एक्टिंग में नहीं आनी चाहिए। और बहुत टफ स्ट्रगल है, आपकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, या तो कुछ आपकी इनकम होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं जो काम नहीं करते। मेरे खुद के कई दोस्त ऐसे हैं जो मर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। बहुत टफ लाइन है, स्ट्रगल इसमें बहुत ही ज्यादा और इतनी टफ है कि इसमें आना है तो सोच समझ कर और अपना बैकग्राउंड देख के। थैंक यू सर, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे सर? थैंक यू वेरी मच, आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ। थैंक यू सर, मेरे चैनल के बारे में बोल दीजिए सर, आप दर्शकों को कहना चाहोगे? लाइक कर दो सर, अरे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब कर दो भाई। आपको कैसा लगा विकास सर का इंटरव्यू और आपको कुछ बहुत सारी चीजें उनसे सीखने मिलेगी आई होप। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ।